हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। एंड आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यहाँ पे विप्रो के स्मार्ट प्लग की। स्मार्ट प्लग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, बट एज ए कंपनी विप्रो पे थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है। वैसे वो चीज़ हम खोल के देखेंगे, डिवाइस कैसा है, क्या काम करता है, क्या क्या तरीक़ों से हम इसको काम में ले सकते हैं। क्विक स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे डिवाइस देख लें हम क्विकली। तो यहाँ पे ये जो है 16 एम्पीयर का डिवाइस है, मोस्टली 10 और 16 एम्पीयर के फॉर्मेट में आता है। ये जो चलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई सिस्टम पे चलता है। पहले ब्लूटूथ वाले आते थे, बट उनकी लिमिटेशन काफ़ी कम थी, उसके लिए आपको घर में रह के कंट्रोल करना पड़ता था। बट वाईफाई से क्या होता है, जो आपका स्मार्ट डिवाइस होता है वो सर्वर से कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली, और सर्वर के थ्रू आप उसको कंट्रोल करते हो। एंड व्हेन द सर्वर कम्स इन बिटवीन, तो आप फिर सिंपली उसको कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हो। क्विकली देख लें यहाँ पे, तो भाई ये 240 वोल्ट का है और जो इसका प्राइस है यहाँ पे 2290 रुपए, 2300 रुपए है, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस लिखा हुआ है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 900 और 1000 रुपए के आसपास, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसके जो स्मार्ट फीचर्स हैं। सबसे पहले आपके अलेक्सा और गूगल के साथ काम करता है असिस्टेंट। आप अपने वॉइस से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, मैंने बता दिया। शेड्यूल ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे, मतलब ये काफी अच्छा फीचर है बेसिकली, कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी डिवाइस कुछ टाइम बाद चालू हो, अपने आप बंद हो जाए, फिर चालू हो, फिर बंद हो जाए, वो चीज यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे एनर्जी मॉनिटरिंग भी हो सकती है। तो डिवाइस अगर हम ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको विप्रो का स्मार्ट प्लग आ जाता है, ये करते हैं साइड में, और यहाँ पे आपको एक क्विक ब्रोशर आ जाता है सेटअप करने का। तो इस पर क्विक डिटेल्स लिखी है कि कैसे आपको सेटअप करना है, तो वो इवेंचुअली मैं आपको करके दिखाऊंगा। अपने काम का नहीं है, इसको करते हैं साइड में। सो ये है विप्रो का डिवाइस। यहाँ पे एक LED इंडिकेटर है, अंदर में देखूँ तो कॉपर का मेटल है, मतलब कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पे आपको स्टील मेटल मिल जाता है जो उसके प्लग पॉइंट्स हैं, और इस पर लिखा हुआ है सबसे कमाल की चीज़ जो लिखी हुई है वो है यहाँ पे मेड इन इंडिया। यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है इसको ऑन ऑफ करने का, सिंपली इसको टैप करके आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सो इसको पावर सप्लाई दे दिए मैंने, यहाँ पे काफ़ी स्मूथली यहाँ पे सेट हो जाता है। जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक की और मेटल की काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्विच को प्रेस करता हूँ, लेट्स सी। हियर वी कैन सी इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो चुका है, मैं पास से करके दिखाता हूँ आपको। बंद, ऑन, बंद, ऑन। तो सबसे पहले इसको हमें ऐप से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो विप्रो का ऐप डाउनलोड कर लिया है मैंने फ़ोन में, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मेरा अकाउंट पहले से है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया, यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा, तो हमने वाईफाई सॉकेट बाय किया अभी, तो यहाँ पे वाईफाई सॉकेट क्लिक करते हैं। लोकेशन चाहिए, लोकेशन ऑन कर देते हैं। वाईफाई हमने डाला हुआ है यहाँ पे, वाईफाई से कनेक्ट कर रहा है। वाईफाई का पासवर्ड चाहिए पहले आपको, उसके बाद ये बोलता है आपको डिवाइस को रीसेट करने के लिए। तो डिवाइस को रीसेट करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइस पे जाते हैं और इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यू कैन सी ये ब्लिंक करने लगा, अभी रेड और ब्लू हो गया है। इसने आपके डिवाइस को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे स्मार्ट प्लग 16 एम्पियर लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे, यू कैन सी। यहाँ पे हम करते हैं डन और लेट्स सी आगे क्या होता है। तो यहाँ पे डिवाइस आ गया आपका कम्प्लीटली कन्फिगर्ड। तो यहाँ पे पावर ऑन पावर ऑफ करके बता रहा है, और इसको अभी पावर ऑन ऑन तो है, ये ऑफ करते हैं। ये डिवाइस पावर ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, यू कैन सी। एक छोटा सा क्लिक करके साउंड आता है, मैं डिवाइस यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। सो रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा है इसका। मैंने अभी एक लाइट लगा दी है, लाइट को भी चेक कर लेते हैं। ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। पावर है, उसके बाद टाइमर है, यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे काउंटडाउन है, कितने टाइम बाद आप चाहते हो स्विच ऑन ऑफ हो जाए अपने आप। ओके, उसके बाद यहाँ पे पावर कंजप्शन है, कि इसकी जो पावर कंजप्शन है क्या है। तो यहाँ पे यू कैन एक्चुअली ट्रैक के कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। सो ये था विप्रो का स्मार्ट प्लग। आई होप आपको डिवाइस काफ़ी अच्छा लगा हो। एंड अगर आप घर में ऐसा ऑटोमेशन चाहते हैं, कुछ स्मार्ट बनाना चाहते हैं, स्मार्ट करना चाहते हैं, तो गो अहेड बाय द डिवाइस और यूज़ करिए। इसको कैसे यूज़ करना है बता दिया मैंने। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।